स्नेह ज्यादा है, हम दोनों एक ही शहर के निवासी हैं, हम दोनों एक ही विधानसभा में रहते हैं, हम दोनों एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े, और उनके बेटे ने मेरे सामने चुनाव लड़ा था, जोधपुर की जनता ने उनको हरा दिया। अब इसके कारण से इतना स्नेह तो बनता है। इन 10 जिलों के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में जुड़ा हुआ विषय, उस विषय के लिए मुझे अगर धरातल पर उतर के संघर्ष भी करना पड़े तो मैं करना पसंद करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में सरकार बदल जाने के बाद में वर्तमान सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने के बजाय इस योजना को राजनीति की फुटबॉल या गोटी बनाने का काम किया। इस पूर्वी हिस्से से और इन 13 जिलों से जुड़ा हुआ एक विशेष विषय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल, जिसकी परिकल्पना सर्वप्रथम नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में माननीय अटल जी की सरकार में की गई थी, लेकिन उसको अनवायबल मानते हुए उस समय उसको स्थगित कर दिया गया। वसुंधरा जी की सरकार के समय में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से नई परियोजना बनाई गई, उसमें 13 जिलों को पीने का पानी मिले, 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा नया सजित हो और लगभग 80,000 हेक्टेयर जमीन जो एग्जिस्टिंग कमांड है, जो छोटे छोटे बांधों से होती है और पानी की आवक न होने के कारण से वो सिंचाई पूरी नहीं हो सकती, उनके स्थिरीकरण का भी उसमें प्रस्ताव था। लेकिन क्योंकि उस परियोजना को भारत सरकार ने जिस तरह के मानक 1960 के दशक से बने हुए उन मानकों के अनुरूप न होने के कारण से केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने, मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय जल आयोग ने उस पर स्वीकृति न प्रदान करते हुए वापस उसको ठीक करने के लिए भेजा था। 2017 में राजस्थान सरकार ने ये प्रस्ताव जांच के लिए, अनुमति के लिए भारत सरकार को भेजा था और 2018 के लगभग अगस्त के महीने में भारत सरकार ने वापस राजस्थान सरकार को लिख करके भेज दिया था कि इसमें इस तरह के संशोधन करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में सरकार बदल जाने के बाद में वर्तमान सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने के बजाय इस योजना को राजनीति की फुटबॉल या गोटी बनाने का काम किया। निरंतर राजनीतिक रूप से बयानबाजी और टिप्पणियां की गई। 10 बार भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय में हमने मीटिंग्स आयोजित की, 9 मीटिंग्स दिल्ली में हुई। हर मीटिंग पर सूचना देने के बाद में और पहले स्वीकृति दे करके भी बाद में किसी भी एक मीटिंग में भी राजस्थान सरकार के कोई मंत्री जो है वो उपस्थित नहीं है। अधिक सामने चर्चा होती थी, वो कहते थे कि हम इससे सहमत हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर निर्णय पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करना है। 9 बार मीटिंग में न आने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से हमने जयपुर में जाकर के मीटिंग की। 1 महीने पहले मीटिंग के ऊपर चर्चा करके मीटिंग की माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से तय करके मीटिंग की डेट डिसाइड की गई। मीटिंग के नोटिस इशू हुए। 1 महीने बाद में 18 अप्रैल 2022 को जब हमने मीटिंग करने के लिए वहां गए तो 17 अप्रैल की रात को 10 बजे एक छोटे कर्मचारी डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी ने एक चिट्ठी लिख करके कि न आपकी मीटिंग में मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नहीं आ सकते, ऐसी सूचना दे करके मीटिंग को मैं न आने का ऐसा निर्णय किया। अधिकारी उस बैठक में भी आए, हमने विस्तार से उनके साथ भी चर्चा की, उन्होंने फिर सहमति व्यक्त की कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। उसमें किसान सिंचाई का पानी, क्योंकि राजस्थान के हिस्से में जितना पानी आता था उससे 13 जिलों को पीने का पूरा पानी मिलता था, जो 80,000 हेक्टेयर लगभग 2 लाख एकड़ जमीन के सिंचाई के स्थिरीकरण का भी प्रस्ताव था, लेकिन पानी की सीमितता के कारण से नया रकबा सजित नहीं हो सकता था, जो केवल धौलपुर और सवाईमाधोपुर 2 जिलों में ही होना था। नई 2 लाख एकड़ सिंचाई की जो कल्पना की गई थी वो क्योंकि केवल धौलपुर और सवाईमाधोपुर 2 ही जिलों में थी, शेष जिलों में उसका कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं था, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए इसको लेकर के लगातार राजनीति। किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 4 विषयों की आवश्यकता होती है। पहली कि उसका तकनीकी रूप से समीक्षा होकर के टेक्निकल स्वीकृति उसको मिले, जो ERCP के पास में नहीं है। उसके बाद में
उसके कॉस्ट और बेनिफिट के रेशियो की जांच होकर के उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिले, वो भी राजस्थान सरकार ने प्राप्त नहीं किए। तीसरी एनवायरनमेंट की स्वीकृति मिले, क्लियरेंस मिले, वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं लिए। चौथी वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस मिले, वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं लिए। चारों स्वीकृतियां मिलने के बाद में कैबिनेट के पास में जाता है, कैबिनेट उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है। अभी तो हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़े और हम कहते हैं कि हमको राष्ट्रीय परियोजना की, राजस्थान सरकार कहती है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो और उसको लेकर के इन्होंने राजनीति करना प्रारंभ किया। बाद में माननीय अशोक गहलोत साहब ने 2022 में स्टेटमेंट दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश ने राजस्थान की इस परियोजना, जिसको राजस्थान सरकार और गहलोत साहब कह रहे थे कि हम इसको खुद बना देंगे, हमको केंद्र सरकार की जरूरत नहीं है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर कर दिया। और इस समय मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि गहलोत साहब बार बार ये चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में वो राजनीति कर रहे हैं, वो हमको अनुमति प्रदान नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, आदरणीय कमलनाथ जी ने अशोक गहलोत साहब के पत्र का जवाब देते हुए कहा था कि ये मध्य प्रदेश के हितों के विपरीत है, हम इसमें किसी भी तरह से सहमति नहीं दे। जब सरकार आपकी थी वहाँ, तब भी आप स्वीकृति नहीं ले पाए। और उसके बाद में गहलोत साहब ने, राजस्थान की सरकार ने निर्णय किया और एक तुगलकी फरमान जारी किया कि हम अपने खर्चे से 15,000 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को पूरा करें। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ERCP 2017 में उसकी DPR वेबकॉस ने बनाई तब 40,000 करोड़ रुपए का अनुमान किया था कि इसकी लागत 40,000 करोड़ रुपये। ये कौन सा जादू था कि जिस ERCP को वो बनाने की बात कर रहे हैं, जिसकी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वेबकॉस ने भारत सरकार ने ही बल्कि एक अधीन काम करने वाली संस्था ने ही बना करके दी है कि अब 15,000 करोड़ में 13 जिलों को पानी मिल जाएगा। मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि जो वसुंधरा जी के समय में जो योजना बनी थी उसमें लगभग 2800 MCM पानी राजस्थान को मिलना था। जब इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पे बनाते थे तो भी 1700 MCM पानी को राजस्थान के हिस्से में आता था, लेकिन जब अशोक गहलोत साहब ने नई योजना बनाई उसमें केवल 500 MCM पानी राजस्थान सरकार, राजस्थान के हिस्से में मिलता है, 521 MCM। और उस 521 MCM से न भरतपुर को पानी मिलने वाला है, न धौलपुर को पानी मिलने वाला है, न सवाईमाधोपुर को पानी मिलने वाला है, न दौसा को पानी मिलने वाला है, न अलवर को पानी मिलने वाला है, न बारां को पानी मिलने वाला है, न करौली को पानी मिलने वाला है, किसी भी इन 10 जिलों में किसी को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। केवल अजमेर, जयपुर शहर और टोंक, इन 3 जिलों का, 3 शहरों को पीने का पानी की एक योजना इन्होंने 15,000 करोड़ रुपये में बनाई। मैं आप सबके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ और आप सबको एक, आप सबके दिमाग में एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ कि अगर इसको 50% की जगह 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाया जाता तो 40,000 करोड़ रुपए में से 60% पैसा भारत सरकार वहन करती, तो राजस्थान की सरकार को सिर्फ 16,000 करोड़ खर्च करने थे। 16,000 करोड़ में 1700 MCM पानी मिलने वाला था, जिससे इन 13 जिलों को अगले 30-40 साल तक पीने के पानी की गारंटी होती। 13 जिलों में रहने वाली लगभग राजस्थान की 40% आबादी के को पीने के पानी की गारंटी होती है, साथ में इन 13 जिलों की, जिसकी सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसकी लगभग 2,00,000 एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा भी मिलती है। और वो करने के बजाय 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके किसी एक भी खेत को एक भी बूंद पानी दिए बगैर केवल 3 शहरों के लिए योजना बनाने की नौटंकी गहलोत साहब की सरकार कर रही है। इसको सफाई की दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन इन 10 जिलों के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में जुड़ा हुआ विषय, उस विषय के लिए मुझे अगर धरातल पर उतर के संघर्ष भी करना पड़े तो मैं करना पसंद करूँगा। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम विकास करने वाले लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर जिस लिंक को प्रस्तावित किया है, जो नवनेरा गालवा ईसरदा बीसलपुर लिंक जो प्रस्तावित किया है, अगर वो लिंक बन जाता है तो भविष्य में कभी भी, लिख करके रखिएगा, कभी भी भरतपुर सहित इन 10 जिलों में एक बूंद भी पानी नहीं आ सकेगा।